हाय गाइस, आप सब कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संगीता और आप देख रहे हैं टॉक्सिक रिजल्ट। पर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और सारे लोग अच्छे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। और चावल के पापड़ जो है वो बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं और बनाते हैं चावल के पापड़। यहाँ पर गाइस हमने एक कटोरी से भी कम है ये चावल का आटा ले लिया है। चावल का आटा एकदम बारीक होना चाहिए। और अब ये आटा है जिसे हम खोल लेंगे। और गंजी में मैंने, ये देखिए भगोने में मैंने पानी बैठा दिया है गर्म होने। तो जितना ये चावल हमने लिया है उससे 10 गुना पानी लिया है। यहाँ पर 10 कटोरी हमने यहाँ पर पानी लिया है। वह ये देखिए गर्म हो रहा है पानी। तो ये 10 कटोरी है और एक कटोरी हमारा चावल का आटा है, थोड़ा एक कटोरी से भी कम है। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। जितना आप डालना चाहे नमक डाल दीजिएगा। और पानी अब देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो हम इसमें जो आटा हमने घोल बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें डायरेक्ट सूखा आटा नहीं डालना है हमें। अगर आप सूखा आटा डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए कटोरी में ही आटा को आप पहले घोल तैयार कर लें, उसके बाद फिर हम इसे पानी में डालेंगे इस तरह से जैसे मैंने डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पप्पड़ खार। तो एक चम्मच यहाँ पर मैं पप्पड़ खार ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत लोग सोडा भी यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी करेंगे, ना पप्पड़ खार यूज़ करेंगे इसमें ना सोडा, तो भी ये पापड़ बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। तो इसे हम एकदम धीमी आंच पर पकने देंगे। ये देखिए धीरे धीरे ये पकते रहेगा और इसे हमें एकदम तेज आंच पे नहीं पकाना है। तो ये देखिए अब हमारा जो आटा है वो पक के एकदम तैयार हो गया है। इसे हम लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे बैठे ना। ये देखिए नीचे चिपक जाता है, इस तरह से नीचे बैठ जाता है आटा। तो हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। और ये अब गाढ़ा हो गया है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया ये आटा। तो अब हम इसे ठंडा होने रख देंगे और आखिरी में हम इसमें जीरा डालेंगे और इस तरह से पापड़ बना लेंगे। जीरा को हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अगर आप जीरा पहले डाल देते हैं तो जो आटा का जो बैटर है वो पीला हो जाएगा, जीरा कलर छोड़ देता है उसमें, इसलिए आप जीरा को लास्ट में डालिएगा। और नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। इसमें तिल वगैरह आप डाल सकते हैं, तो डालना होगा तो डाल सकते हैं, काला जीरा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जीरा डाला है वो भी सबसे लास्ट में। और ये देखिए मेरे पापड़ बन गए हैं। इस तरह से हम जितने बड़े से इतने पापड़ बनाएंगे अपने अनुसार हम बना सकते हैं। और इसे हम पॉलीथीन के ऊपर ही बनाएंगे। ये देखिए अब ये पापड़ बनने के बाद हम इसे धूप में निकाल देंगे तखत को। ये देखिए हमारे जो एक कटोरी भी नहीं था, आधा कटोरी चावल से ये देखिए इतने सारे पापड़ बन गए हैं। आटा अच्छे से पकना चाहिए इसलिए हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। अगर ये तेज आंच पर पकाएंगे तो ठीक से नहीं पकता है। Thank you.